Sarcoma is the general term for a broad group of cancers that begin in the bones and in the soft tissues. Bone sarcomas are rare tumors, approximating 0.2% of all cancers. The common subtypes identified in India, including E-ring sarcoma and synovial sarcoma. Soft tissue sarcoma forms in the tissues that connect, support, and surround other body structures. This includes muscle, fat, blood vessels, nerves, tendons, and the lining of the joints. It has an average 2.1% frequency rate in males and 1.2% in females. As Sarcoma Awareness Day is observed every year on July 21st, we at MediCircle are conducting an exclusive series to raise awareness about this rare medical condition. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we're going to speak to Dr. Pritam Jain. Dr. Pritam Kumar Jain, an MD, DM, European Certified Super Specialist. He's a senior consultant oncologist practicing in top hospitals in Mumbai. He's specialized in the diagnosis of all types of cancers and treatment with chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, and personalized care. Please welcome him to MediCircle. Hello, Dr. Pritam. How are you? Hello, I'm good. I'm good. How are you, Sana? We are fine, sir. Thank you so much. Okay, pleasure. So Dr. Pritam, sarcoma बहुत ही रेयर बीमारी है. इट्स वेरी रेयर डिजीज. प्लीज उसके बारे में और आप हमें जानकारी दीजिए, हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि क्या है ये एंड उसकी डिटेल्स बताइए. जी, सार्कोमा एक प्रकार का कैंसर होता है एंड ये कैंसर्स जनरली यू नो सॉफ्ट टिश्यूज, मसल, वहां से ओरिजिनेट होता है. बोन्स में भी ओरिजिनेट हो सकता है ये टाइप ऑफ कैंसर्स. नाउ सार्कोमा में काफी अनेक सारे प्रकार के होते हैं एंड इसमें डायग्नोसिस के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल कंफर्मेशन काफी जरूरी होता है क्योंकि अलग अलग प्रकार के सार्कोमास होते हैं एंड उन सार्कोमास का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है. तो जनरली ये शरीर में कहीं पे भी आपका मजल है या स्किन के नीचे या बोन्स, वहां से ये एक गांठ जो ट्यूमर के नाम से यू नो लाइक आइडेंटिफाई होती है. इनिशियली ये काफी छोटी होती है तो कई बार नो मरीजों को समझ में नहीं आता है और उसी वजह से वो इग्नोर करते हैं. कई सारे बोन ट्यूमर्स यू नो आफ्टर ट्रॉमा या चोट लगने के बाद उनको आइडेंटिफाई होती है या फिर गिरने के बाद समझता है. बट जैसे जैसे गांठ बढ़ती है, दर्द होना शुरू होता है, तब जाके मरीज हमारे पास आते हैं. लेकिन कई बार जब दर्द होना शुरू होता है, इट मींस दैट वो काफी बढ़ चुका है और एडवांस स्टेज में भी पहुंच चुका है. तो ये एक सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस बोन्स का भी कैंसर होता है और जहां जहां मतलब शरीर का कोई भी अंग में ये एक सार्कोमा हमें डिटेक्ट हो सकता है. वुमेन में ब्रेस्ट का सार्कोमा भी डिटेक्ट होता है, यूट्रेन का सार्कोमा भी डिटेक्ट हो सकता है. सो इट्स अ वेरी हेट्रोजीनियस कैंसर्स जिसको हमें काफी स्पेसिफिक डायग्नोसिस के नाम से ही नो डिटरमाइन करते हैं हम लोग. जी, तो डॉक्टर प्रीतम, ये किस तरह से डिटेक्ट होगा सार्कोमा और अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन पॉसिबल है? किस तरह से इसके साइंस सिम्टम्स क्या होते होंगे? या सो सार्कोमा जैसे मैंने कहा है कि शरीर के किसी भी अंग में अगर आपको गांठ महसूस हुई है, छोटी सी गांठ दिख रही है, वो सार्कोमा हो सकता है. अब होने के लिए वो साधारण गांठ भी हो सकती है और ये कैंसर वाली गांठ भी हो सकती है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके नजदीकी के जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे मिलना है एंड सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन में समझता है कि ये किस प्रकार की गांठ है. वहां से हमारा सस्पिशियस बढ़ना शुरू हो जाता है. ये सस्पिशियस एक डॉक्टर को ही समझ में आएगा और किस और कब इसको आगे इन्वेस्टिगेट करना है ये वो एक डॉक्टर सही तरीके से बता पाएंगे. जब उन्हें क्लिनिकली सस्पिशियस लगता है या फिर कोई भी गांठ तेजी से साइज बढ़ रही है या फिर दर्द होना शुरू हो गया है या फिर आपको लग रहा है कि आपका वजन कम होने लग गया है या आपको लग रहा है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये सारे लक्षण होते हैं कि क्या ये एक कैंसर हो सकता है जिससे कि काफी तेजी से बढ़ रहा है.
अब मान लीजिए ये गांठ एक डॉक्टर को दिख गई तो तुरंत उसका एमआरआई स्कैन करना जरूरी है। जनरली हम लोग एक एमआरआई करते हैं जो सार्कोमा में काफी वेल डिफाइंड अच्छे से डायग्नोज हो जाता है। एक बार एमआरआई कंफर्म करते हैं हमारे क्लिनिकल फाइंडिंग्स को तो हम लोग फिर क्या करते हैं उस ट्यूमर का बायोप्सी के लिए भी प्लान करते हैं। एंड बायोप्सी जब वो लैब पैथोलॉजी लैब में जाती है वहां पे वो कंफर्म होता है कि ये डेफिनेटली ये सार्कोमा है, अब आप इसका ट्रीटमेंट लाइन प्लान कर दीजिए, ऐसा है। अच्छा सो डॉक्टर प्रीतम, ये क्या ये बीमारी का क्योर है और अगर किसी को हुआ है तो किस तरह से इसके साथ डील कैसे किया जाए? जी अगर आप मुझे पूछे मेरे अनुभव से, पहला शब्द मैं ये कहूंगा कि सार्कोमा ये अच्छा कैंसर नहीं है, ये एक जानलेवा कैंसर है और इसलिए काफी जरूरी है कि इस बीमारी को आप जितना स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में डायग्नोस करेंगे तो आपके पॉसिबिलिटीज और चांसेस क्योर होने के बढ़ेंगे। साइज जितनी छोटी होती है देन दैट कैन गेट क्योर इजिली विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, एंड अगर सर्जरी नहीं है तो कुछ कुछ रेडिएशन सेंसिटिव ट्यूमर्स होते हैं। जनरली अर्ली स्टेजेस में पकड़ आना बहुत मुश्किल रहता है फॉर ए ले मैन क्योंकि इसको वो इग्नोर कर देते हैं और एक बार ये कैंसर स्प्रेड हो गया लंग्स में या बॉडी में देन इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट कैनॉट बी गेट क्योर्ड एंड यू नो पेशेंट मरीज की आयुष कम होके जान चली जाती है, दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंस। इसलिए सार्कोमा पेशेंट्स को काफी केयरफुली वॉच करना होता है, अर्ली डायग्नोसिस सस्पिशियस होता है तो अग्रेसिवली उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। सो जो मैं समझ पा रही हूँ कि आई एम श्योर व्यूअर्स को भी इतना तो समझ आ रहा होगा कि आपकी ये बातों से ऐसा लग रहा है कि सबसे पहला फर्ज तो खुद पेशेंट का होगा, अगर उन्हें कभी भी ऐसा कुछ जरा सा भी डाउट लग रहा है कि यहाँ गठन हो गई है या ऐसा कुछ बंप जैसा लग रहा है तो उसे इग्नोर ना करें और सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। तो जितना जल्दी डायग्नोस, खुद पेशेंट को सबसे पहले डायग्नोस करना पड़ेगा और फिर डॉक्टर्स को। बिल्कुल सही है क्योंकि ये सार्कोमा सभी इंसान के सभी ग्रुप ऑफ एजेस में पाए जाते हैं, बच्चों को लेके बड़ों तक सब ग्रुप्स में दिखते हैं। और इमेजिन कीजिए बोन ट्यूमर्स लाइक ऑस्टियोसार्कोमास, एविंग सार्कोमास, ये सारे अर्ली स्टेजेस में क्योर हो सकते हैं और दिस ट्यूमर्स आर कॉमनली सीन इन फर्स्ट और सेकेंड डेकेड्स ऑफ लाइफ, जिन्होंने अभी अभी अपनी जस्ट जिंदगी शुरू की है, बच्चों में भी दिखता है ये। एंड जैसे जैसे साइज बढ़ता है लिम्स में डिटेक्ट होता है तो एम्पुटेशन की जरूरत पड़ती है, तो लाइफ लॉन्ग हैंडीकैप हो जाते हैं, लाइफ अगर सेविंग के लिए उनको क्योर फैक्टर चाहिए तो ये बहुत जरूरी है। अलग अलग एजेस में ये प्रेजेंटेशन आता है इसलिए हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रहता ही है, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर जो तेजी से गठन बढ़ रही है, दर्द हो रहा है या वजन कम हो रहा है, कोई भी एंगल से हमें सस्पिशियस होता है तो हम इसको अग्रेसिवली डायग्नोस करने के लिए सोचते हैं। सर डॉक्टर प्रीतम, आपकी अब मैं जानना चाहूंगी कि आपकी एडवाइस ऐसे पेशेंट्स को क्या होगी जी जो अभी भी लड़ रहे हैं इस कैंसर से, सार्कोमा कैंसर से, उनके लिए आपकी कोई पर्सनल एडवाइस? जी पर्सनल एडवाइस तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन जनरल देखिए कोई भी कैंसर हो उसका मैनिफेस्टेशन आपके शरीर में घटान की जैसे ही होती है सॉलिड ट्यूमर्स में, तो अगर आपके शरीर में कोई भी घटान हो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए और दर्द होने का इंतजार मत कीजिए। ये काफी बड़ा मिस परसेप्शन है लोगों में कि अगर कोई तकलीफ नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, क्यों 500 रुपया खर्च करूँ और कंसल्टेशन का वहां जाके दे के आओ। आपको थोड़ा भी अगर अंदाजा होगा वो कैंसर की गांठ होगी, टाइमली डायग्नोज होगा तो आपका ये बेसिक जो आपका एक्सपेंस है वो लाइफ लॉन्ग का ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, लाइफ लॉन्ग एक्सपेंसेस आप उससे बच पाओगे। तो इन सारे एंगल से सोचना है आपको। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कैंसर की गांठ में अगर दर्द होना शुरू हुआ तो शायद यू आर इनटू एन एडवांस स्टेज और आप यू आर इन ट्रबल नाउ और आपको एज एन इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीतम, आई एम श्योर आपके ये नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, जिस तरह से आपने बात की है, समझाया है,
हमारी व्यूअर्स को और जो लोग इस तकलीफ से परेशान हैं उन्हें भी ये बातें समझ आई होंगी और आई होप everybody has that insight and knowledge that we have gained today from you. Thank you so much for coming to our show. It was a pleasure. It's my pleasure, Sanna. Thank you so much.